Hello everyone, welcome to CPLC. So today we have a question from function, and in this question we have let A, B, C be a non-zero real numbers such that B square is less than 4AC and function is AX square plus BX plus A. Basically this is a quadratic function. If the set S consists of all integers M such that F of M is less than 0, then set S must necessarily be. In which se kaun sa hoga set? Ye aapse pucha gaya hai. Theek hai? और सेट एस है क्या? बेसिकली ये सारे इंटीजर्स के सेट हैं जो फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो देते हैं. अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो. व्हेन दिस वैल्यू, दैट मीन्स कि दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो फंक्शन का रूट हमेशा ही क्या होता है? इमेजिनरी होता है. अगर इमेजिनरी रूट्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है. ठीक है, आई होप यू नो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा पैराबोलिक होता है, एंड इफ इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस. इफ द फंक्शन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस. इट विल टच एट ओनली वन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस. ठीक है, और जहां पे रियल एंड अनइक्वल होते हैं वहां पे दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, और जहां पे इमेजिनरी होते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. अब ऐसे केस में फंक्शन का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो तो होंगे नहीं. तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेट एस जो है वो सारे इंटीजर्स का सेट है जिसमें फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो है. तो लेस देन जीरो के लिए कोई ऐसा सेट आएगा ही नहीं, तो सेट तो पक्का एम्प्टी सेट है, पॉजिटिव होगा नहीं, ऑल इंटीजर होगा नहीं, तो सेट एम्प्टी सेट हो सकता है. यानी कि ऑप्शन ए पॉसिबल है या फिर ऑप्शन डी पॉसिबल है, इधर द एम्प्टी सेट और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ए का वैल्यू क्या है? अगर ए निगेटिव होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस. इन दिस केस द फंक्शन का वैल्यू जो होता वो लेस देन जीरो होता. चूंकि ए के बारे में हमें पता नहीं है कि ए कैसा है, ए इज जस्ट नॉन जीरो रियल नंबर. अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ हमेशा ही ऊपर की तरफ खुलता. ठीक है, और ऐसे केस में हमेशा ही आपको क्या मिलते हैं? एम्प्टी सेट. तो या तो ये एम्प्टी सेट हो सकता है अगर ऊपर ओपन, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो, या फिर ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो. और ये इसी केस में होगा जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए. सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. ऑप्शन ए, बी, सी ये सारे गलत है.